हाय स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने बतलाया था कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच टी थिकनेस का एक स्लैब इंसर्ट करते थे जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट था के और वो थिकनेस टी था एक डायलेक्ट्रिक मीडियम. व्हेन अ डायलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ लाइट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड और प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के. और इसी को हम एक लाइन और बढ़ाते थे तो माइनस टी इज कॉमन 1 - 1/के, जिसका जिक्र हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में किया है कि अगर बीच में डायलेक्ट्रिक मीडियम हो जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन डी बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के होता है, जिसे माइनस टी कॉमन लेते हैं तो 1 - 1/के आ जाता है. माइनस टी इंटू 1 - टी माइनस माइनस प्लस टी बाय के आ गया. लेकिन अगर वही उसी को हटा करके व्हेन डायलेक्ट्रिक मीडियम इज रिमूव्ड एंड मेटालिक कंडक्टर इज प्लेस्ड एट दैट पोजिशन एट दैट प्लेस देन व्हाट हैपेंस. तो याद कीजिए, जब कंडक्टर रहता था तो कंडक्टर के लिए के का वैल्यू याद है, इन्फिनिटी. याद करो, आज इसी का पूरा खेल होने वाला है, इसीलिए समझो अच्छे से खेल को. तो बताओ, के का मान अनंत रखते थे, का वैल्यू इन्फिनिटी, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी 1 - 1/इन्फिनिटी मतलब 1/0 इन्फिनिटी मतलब 1/0 जीरो ऊपर चला जाता था या जीरो होता था. तो जीरो सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा टी में तो टी ही रह जाएगा. ये आता था व्हेन अ कंडक्टिंग सब्सटेंस ऑफ थिकनेस टी इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स दिस 1. ओके, तो देखा जाए, मजा आएगा, ध्यान से सुनिएगा. क्वेश्चन करते हैं, पहले तो एकदम आसान, तब थोड़ा स्टैंडर्ड की ओर बढ़ेंगे. देखो बच्चों, एकदम फॉर्मूला पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन चलते हैं लेकर के. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. Find the capacitance of parallel plate capacitor when parallel plate capacitor if area of plates are equal 1 meter square मान लेते हैं आसानी के लिए, equal 1 meter square and distance between the plates is 10 millimeter and a dielectric medium of thickness 5 millimeter is placed if dielectric medium of thickness 5 millimeter and dielectric constant ten is placed between the plates. Formula pudding ban gaya. अरे मजा आ रहा है एकदम. देखो ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन, 12th में आने वाला क्वेश्चन है ना. थिकनेस दिया है क्वेश्चन में, डिस्टेंस भी दिया है और डायलेक्ट्रिक मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया है. रे बाबा, प्लेट्स पे चार्ज प्लस और माइनस होता है. रे बाबा, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन बोथ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हुज नेचर इज ऑपोजिट. तो अब बताइए क्या होगा सॉल्यूशन. देखना बच्चों, एरिया दिया है 1 meter square, डिस्टेंस दिया है 10 मिलीमीटर, को मीटर में कन्वर्ट कर लो
10 into 10 to the power minus 3 meter, thickness is 5 millimeter, को मीटर में कन्वर्ट कर लो रे बाबा, तो C इक्वल टू व्हाट वी नो दैट, एरिया दिया है ऑल मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस दिया है 10 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर में कन्वर्ट हो जाता है आपको याद होगा, और T इक्वल टू 5 मिलीमीटर, तो 5 इंटू 10 को माइनस 3 मीटर, अरे बोल लो C इक्वल टू व्हाट वी नो दैट, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई d माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के, थिकनेस दे दिया, तुरंत फॉर्मूला स्ट्राइक करना चाहिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई d माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के, ओके तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे आपके हवाले कर देंगे, इंटू एरिया 1, इतना तो आप समझदार हैं कि आराम से सॉल्व कर लेंगे, और 10 मिलीमीटर 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस पी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, अरे बोलो, और 1 माइनस 1 बाई के, के है 10, एक लाइन और सॉर्ट करते हैं उसके बाद आप सोल्व कर लीजिएगा, कुछ नहीं नाम है, टी दिया है क्वेश्चन में, डी दिया है क्वेश्चन में, ए दिया है तो सी निकालना है, टी दे दिया दिमाग में पूरा स्ट्राइक किया, एप्सिलॉन डी बाई डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के फॉर्मूला होता है, पूरा अप्लाई किए, एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻², एरिया 1, डी पता है, टी पता है, इंटू 1 माइनस 1 बाई के 10, 10, एक लाइन और बढ़ाते हैं बाकी आप सोल्व कीजिएगा बच्चों, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, तो 10 माइनस 5 इंटू 10 बचा 5 बचा, और ये कितना 10 एलसीएम 10 माइनस 1 9 बाई 10, बाकी तो सोल्व कर लेगा, 5 टू जा 10 2 एलसीएम लेगा, 2 10 जा 20 माइनस 9 11 बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा, सोल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, वह अरे इसको तो ऐसे ही रहने दिए, 10 माइनस 3 दोनों में से कॉमन ले लिए, 10 बचा माइनस 5 बचा, 10 एलसीएम लेंगे तो 10 माइनस 1 9 बाई 10 आ जाएगा, बोलो बोलो, तो 9 बाई 10 5 टू जा 10, 2 एलसीएम ले लेंगे तो 20 माइनस 9 11 बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा, सोल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, एंड दिस इज इन फैराड, बिकॉज एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, फैराड इज वेरी लार्ज यूनिट, आपको याद होगा, तो जल्दी उतारिये, क्लियर हो गया होगा एकदम एक बार में, और अगर उसी किसी क्वेश्चन में एक और चीज कि अगर हम डायलेक्ट्रिक मीडियम को हटा करके और कंडक्टिंग मटेरियल ला लेंगे तो क्या होगा, तो जल्दी जल्दी देखो, तो बच्चों ध्यान देना, जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, ठीक है, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, तुम्हारा बच्चों, अब देखो तो यहां पर डिस्टेंस डी है, जब तक ये साथ नहीं रहेगा तब तक कैपेसिटर का फॉर्मेशन नहीं होगा, कुछ और मत समझना, जब तक दोनों का साथ नहीं रहेगा तब तक कैपेसिटर का फॉर्मेशन नहीं होगा, अरे वाह अरे वाह, आप इसके बारे में कह रहे थे सर, हम तो कुछ और समझ रहे थे, समझोगे ना, बहुत बदमाश हो गए, देखो ना मार देंगे, कैपेसिटर का फॉर्मेशन कब होगा, जब तक इसका साथ नहीं रहेगा, साथ होगा तो कैपेसिटर का फॉर्मेशन होगा, ओके हाँ, तो देखो डी है टी है, लेकिन अब हम कंडक्टर ले लिए, ये है मेटालिक कंडक्टर, ओके तो बताइए कि यहां से जो के आ गया वो इन्फिनिटी है, कंडक्टर के लिए याद करो इन्फिनिटी, क्वेश्चन कैसे बनेगा, इन अबव क्वेश्चन, इन एबव क्वेश्चन इफ
dielectric medium, if dielectric medium is removed and a metallic conductor having equal thickness is placed between the plates of capacitor. ओहो, ध्यान देना रे बाबा कि जब हम लोग बात करेंगे कि उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रिप्लेस कर दिए, रिमूव कर दिए, वहां से हटा दिए और उसके जगह पे कंडक्टर ला दिए, मेटालिक कंडक्टर ला दिए, तो कंडक्टर के लिए आपको याद है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रेडियेटिव परमिटिविटी इनफिनिटी होता है। तो सॉल्यूशन में आते हैं, वाह 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 सर मजा आ गया। उस क्वेश्चन में के का वैल्यू दिया था 10, पिछले क्वेश्चन में जो 10 रखे हैं देखो, लेकिन इसमें के से इन्फिनिटी का वैल्यू से हमको मतलब है, यानी कि के का वैल्यू इन्फिनिटी बिकॉज वी नो दैट फॉर अ कंडक्टर, फॉर मेटालिक कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज इन्फिनिटी। तो जैसे ही हम इन्फिनिटी रखेंगे बाबू के का वैल्यू, तो के का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे, अरे इतना नहीं करना यार, डायरेक्ट याद होगा फॉर्मूला C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी इंटू 1-1 बाई के इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब 1/0, 0 ऊपर जाएगा, ये खत्म हो जाता था, याद है? याद आया? तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे रे बाबा। तो देखो लिख लिया होगा तुम लोग, चलो इसको सोल्व कर देते हैं, आराम से सोल्व होने लायक है तो कर देते हैं सोल्व, न तो आप कर सकते हैं आराम से। डी माइनस टी एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 इंटू एरिया 1 और डी 10, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 माइनस 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 बोल लो तो क्या आ जाएगा 8.85 10 टू दी पावर माइनस 12 10 माइनस 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, 3 बच गया 5 7 जा 35, 3 5 7 जा 35 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, पावर है ऊपर जाएगा प्लस होगा, माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9 फेराड, जिसको हम नैनो फेराड भी कहते हैं, यानी 1.77 नैनो फेराड आंसर। बह बह सोल्व आराम से कर लोगे ना। हाँ बताओ, एप्सिलॉन का वैल्यू पता है, एरिया पता है, डी पता है, टी पता है, वैल्यू रख दिए, तो इसका वैल्यू सोल्व करने के बाद इतना आया, माइनस हुआ इतना आ गया 10-5 इंटू 10-3 ऊपर गया माइनस 9 हुआ, डिवाइड किए 9 फैराड। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन का पहले मैंने जिक्र किया, अब आते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन की ओर, थोड़े स्टैंडर्ड की ओर, फिर तो लाजवाब कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। देखो जल्दी अब देखो रे बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सिरिस्ता में दौड़ जाऊंगा मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। चलिए शहर मत छोड़िए, भी कोरोना के प्रभाव से बचिए, घर में ही रहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एयर इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन इट्स कैपेसिटेंस इज सी नॉट।
its capacitance is C naught. Then find the new capacitance of this capacitor when a dielectric medium of dielectric constant K and thickness 3d/4 is placed between the plates of capacitor. Oh, what's a question? दो मेथड्स इसको बताने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, है ना? दो मेथड, एक मेथड से जो फॉर्मूला ड्राइव किए थे वो, और एक मेथड जो डायरेक्ट फॉर्मूला था वो। देखो ध्यान से देखना, मजा आएगा। कैसे? तो देखिए, जो भी फॉर्मूला ड्राइव होता है वो भी बराबर ई इंटू डी से होता है, भी बराबर ई इंटू डी से। उस पर आते हैं तुरंत, पहले एक मेथड से बनाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुडिंग। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन यू है कि यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, और अच्छा खासा थिकनेस है बच्चों, 3d/4 है। तो थिकनेस 3d/4 है, आपको पता है कि अगर d के टर्म में दिया है यानी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d रहा होगा, और एरिया ऑफ प्लेट्स ए, क्योंकि एयर का बात किया है हम लोग, जानते थे, वी नो दैट सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। याद आया? सी नॉट इक्वल टू, जब एयर फील्ड होता था कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच, व्हेन एयर इज फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैनल प्लेट कैपेसिटर, देन व्हाट हैपेंस, देन इट्स कैपेसिटेंस इज सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, तो अब बताइए कि C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जरा सोचिए बच्चों कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस का, तो जब एयर फील्ड होता था तो उसका जो कैपेसिटेंस होता था वो C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता था कि नहीं होता था? अरे बोलो, होता था। लेकिन जब थिकनेस T है, कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है, थिकनेस 3d/4 है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है, तो क्या होगा कैपेसिटेंस? तो देखो बच्चों, वी नो दैट C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, हाँ, थिकनेस कितना दिया है? थिकनेस दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3d/4। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है कि जी थिकनेस का अगर डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया जाता है, सब्सटेंस इंसर्ट किया जाता है, देन इट्स कैपेसिटेंस इज d-10 × 1 − 1/k, देन एप्सिलॉन नॉट ए बाई बी माइनस टी 3d/4 1 − 1/k। अरे बोलो रे बाबा, अब देखो d बाहर आ गया, दोनों में कॉमन हो गया, दोनों में से कॉमन हो गया d। ओके, यहाँ 1 बचा, यहाँ 3/4 बच गया, यहाँ k सेम हो गया, तो k-1। क्लियर और नॉट? तो अब बताइए कितना जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को सी नॉट कर सकते हैं? यस सर। अब देखो 1 − 3 × k-1/4k, 4 कैल्सियम लेते हैं तो सी नॉट बाई 4k यहां आ जाएगा −3k। देखो −3k और +3, 4 के ऊपर चला गया, इंटू सी नॉट बाई 4k − 3k यानी k +3। ओहो, क्या बात है, एकदम सिंपल वे में आ चुका है आंसर। अरे बोलो, एक मेथड से हम लोग बना लिए, दूसरे मेथड की ओर आते हैं बच्चों। ध्यान से सुनना मेरा बात, क्या कहने जा रहे हैं कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है,
उसके प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी है और एरिया ऑफ प्लेट्स ए है, तो आपको याद होना चाहिए कि यहां देखो तो क्वेश्चन में डी नहीं दिया था, एरिया नहीं दिया था, तो क्या आंसर डी और एरिया के टर्म में आया? नहीं आया, नहीं आया। और सोचो जब एयर फील्ड रहता है तो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन ए बाई डी, और थिकनेस दिया है 3D/4, बस मैंने कुछ नहीं किया, एप्सिलॉन ए बाई डी माइनस टी का वैल्यू मैंने पुट कर दिया और इसको मैंने सोल्व कर दिया आगे, तो डी माइनस 3D/4 डी बाहर, 1 - 3/4 केएलसीएम के माइनस 1, अंडरस्टूड? तो बताइए क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए क्या हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सी नॉट और 1 - 3 के माइनस 1/4 के 4 KLCM 4K - 3K माइनस माइनस प्लस 3 4 के ऊपर चला गया 4K - 3K के प्लस 3 बोल दो 4K / 3 के प्लस 3 इंटू सी नॉट, क्लियर है कि नहीं है? अरे बोल लो, तो जल्दी से लिख लो बच्चों, जल्दी सेकंड मेथड पे आते हैं, मजा आएगा, जल्दी फास्ट। ओके, अब देखिए सेकंड मेथड, अगले सेकंड मेथड पे ओके, तो देखा जाए बच्चों, ध्यान दिया जाए बच्चों, क्या हो जाएगा? याद है आपको भी इक्वल टू ई इंटू डी, जब प्लेट्स के बीच अगर कोई मीडियम हो तो उसके लिए इससे अच्छा फॉर्मूला यूज में नहीं आ सकता है ना, और वो फॉर्मूला आपको याद होगा कैसे आया था, लोग दिखा देते हैं, तीन मेथड चलाए थे, पिछले का लेक्चर अगर लगातार आप पढ़ते रह रहे होंगे तो आपको पता है कि भी इक्वल टू होता है ई इंटू डी। तो बच्चों ध्यान देना, यहां देखो तो कैसे आता है, भी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, क्यू से क्यू कैंसिल होता है और भी इक्वल टू ई इंटू डी आ जाता है। तो बताओ भी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेस, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई इंटू डी बाई क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, भी इक्वल टू इंटू डी, क्लियर है? तो इंटू डी याद रखना है आपको, इक्वल टू इंटू डी। कोई भी क्वेश्चन आएगा इस पैसे पे तो एकदम आराम से, नहीं बनेगा डायरेक्ट फॉर्मूला से तो ये कॉन्सेप्ट सोचना और तुरंत बन जाएगा, है ना? तो देखो बच्चों कैसी, और आपको याद होगा डायलेक्ट्रिक मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्वेश्चन में के दिया है और थिकनेस 3D/4 दिया है, डिस्टेंस डी दिया है। ओके, आपको याद होगा कि जब फ्री स्पेस या वैक्यूम रहता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई होता था और ई इक्वल टू σ/ε0 होता था, सब कुछ बताया हुआ है पीछे, याद होगा, बहुत बार यूज किए हैं, 11th में भी बताए हैं, सॉरी फर्स्ट चैप्टर में ही बताए हैं इसको, दो प्लेट्स था, प्लस से दूर और माइनस की ओर, प्लस से अवे और माइनस के टुवर्ड्स, σ/2ε0 प्लस σ/2ε0 ऐड करते थे, σ/ε0 आता था। अब देखो जब मीडियम रहता था तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करते थे रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड और प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, याद करो। तो जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम लाते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिजल्टेंट ई होता था, तो के इक्वल टू ई नोट बाई ई और यहां से ई आ जाएगा ई नोट बाई के, सेकंड मेथड है बच्चों,
उसके लिए जमी आ रहा है। इसी से तो फॉर्मूला ड्राइव कर देते हैं। हम बोले भी थे यहाँ पे लाए थे, तो जस्ट यहाँ पे लाए थे वी इक्वल इनटू डी के फॉर्मेट में लाए थे, और अभी वही फॉर्मूला डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, याद आएगा तुमको, देखो याद आएगा, देखो देखो। पिछले लेक्चर में हमने जब फॉर्मूला फर्स्ट मेथड से प्रूव किया था, तो उस समय मैंने आपको बतलाया था कि वी इक्वल टू डायरेक्ट हम इन टू डी से भी बना सकते हैं, क्वेश्चन उसी पे बनेगा आराम से, देखो कैसे। तो याद करो, रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो बताइए, वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या, बच्चों जल्दी बोलो, हम जानते हैं कि वी नो दैट भी क्वालिटी होता है ई इंटू डी। अब दो मीडियम है, एक एयर है, कुछ गैप में एयर है क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो कुछ गैप में एयर है तो कुछ गैप में मटेरियल है, तो बताइए ई एयर इंटू डी एयर प्लस ई मीडियम इंटू डी मीडियम। वाह रे वाह। देखो अगला स्टेप जो आने जा रहे हैं वहां पे लिखे थे पिछले लेक्चर में, फर्स्ट मेथड से प्रूव कर रहे थे, तो यहाँ पे आया था, देखना जाके। तो बताओ बच्चों, और इस चीज को देखना लेक्चर नंबर 31 में, 31 इस चीज को डिफाइन किए हैं। तो बताइए ई एयर में ई नॉट है, और हवा कितने डिस्टेंस में है, डी एयर। तो बताइए पूरे में डी था डिस्टेंस और मटेरियल है टी थिकनेस में, तो एयर कितने में बच गया, तो डी माइनस टी। पूरे में पूरा डिस्टेंस डी है, मटेरियल टी में है, तो एयर कितने में बच गया, तो डी माइनस टी में। और प्लस बताइए ई मीडियम, मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट बाई के इंटू डी मीडियम, मीडियम का थिकनेस टी है, तो डिस्टेंस टी। बताइए यही चीज हम बोले थे कि बाबू ऐसा है, वही ई लिख रहे थे मीडियम में, ई लिख रहे थे, और यही चीज लाए थे याद करना जब प्रूव कर रहे थे। तो बच्चों बस याद रखो कि जितना भी टफ से टफ क्वेश्चन रहेगा वो इसी से डिराइव होगा। तो देखो भी इक्वल टू, वो तो फॉर्मूला, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुडिंग था, ये कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं, वहां पे डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला से बना रहे थे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं। तो भी इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी और ई नॉट बाई के इंटू टी, कैसे, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट और एयर में डिस्टेंस, वो पूरा डिस्टेंस डी, मीडियम का टी, तो डी माइनस टी एयर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मटेरियल के अंदर ई नॉट बाई के और थिकनेस टी, क्लियर हो गया होगा। तो बताइए बच्चों ई नॉट दोनों में कॉमन हो गया, डी माइनस टी, चलिए ना वेलू लग देते हैं, ठीक है, ई नॉट डी माइनस टी आया 3/4 और प्लस ई नॉट बाई के और जो टी आया है वो 3/4 आया है। देखो देखो देखो, टी जो इक्वेशन में दिया है 3/4, चलो रख दी, ओके। तो कितना आ गया, ई नॉट डी माइनस 3/4 और प्लस ई नॉट बाई के 3/4, तो भी इक्वल टू ई नॉट इंटू 4 एलसीएम 4d माइनस 3d d/4 और प्लस 3 ई नॉट या ई नॉट इंटू 3d/4 की। अच्छा याद है q इक्वल टू सी भी याद होगा, तो v इक्वल टू क्यू बाई सी आ जाएगा, अरे वाह, इक्वल टू क्यू बाई सी, और याद है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, अरे याद करो रे बाबा। तो बताओ क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए रख देंगे, आइए यहां से आते हैं, पहले यहां तक समझ में आ गया होगा कि ई इंटू डी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एयर में ई नॉट और एयर का डिस्टेंस जो है वो डी माइनस टी है, और मीडियम का थिकनेस टी है और मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट बाई के है। तो बताइए मीडियम के लिए, एयर के लिए मीडियम और एयर में डिस्टेंस, मीडियम में डिस्टेंस, ओके, सोल्व की यहां तक आ गए, भी इक्वल टू क्यू बाई सी रख सकते हैं दोस्तों, क्यू बाई सी इक्वल टू, अब बताओ दोनों में क्या कॉमन, तो ई नॉट डी बाई 4 कॉमन हो गया दोनों में, देखो तो यहां 1 बच गया, 3/4 बच गया, 3 बच गया, 3/k बच गया,
कोर तो बाहर आ गया। अंडरस्टूड और नॉट, यहां से ई नॉट डी बाई फोर बाहर तो यहां वन बच गया, यहां ई नॉट डी बाई फोर बाहर तो थ्री बाई के बच गया। क्यूब इक्वल टू सिग्मा इन टू ए होता है और ई नॉट बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और डी बाई फोर के एल सी एम के प्लस थ्री। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल टू सी इंटू डी भी नीचे ला लेते हैं, यहां तो ठीक है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी नीचे डालिए, ठीक है यहां बच गया कितना सी इंटू के प्लस थ्री बाई फोर के। देखो तो सही है, अरे बोलो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी नीचे ला लिए बच्चों और सी से मल्टीप्लाई कर दिए और के प्लस थ्री बाई फोर के, फोर के से इधर मल्टीप्लाई। पहले इसका वैल्यू बताओ, एयर में जो कैपेसिटेंस आया था जस्ट पिछले मेथड में बताए हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एयर के लिए ही तो होता है, तो पहले से ही पता है कि सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी होता है। तो सी नॉट और इससे मल्टीप्लाई कर दो फोर के, इससे डिवाइड कर दो के प्लस थ्री, सी इक्वल टू आ गया फोर के बाई के प्लस थ्री इंटू सी नॉट। बोलो बोलो, अरे सोल्व किए हैं, बस बस सोल्व किए हैं, एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा एकदम पानी पानी हो जाएगा, जल्दी 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 एक बार में क्लियर हो जाएगा और नहीं तो आप रिपीट करके देखिएगा जल्दी। अब देखो, अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम जितने सारे डायलेक्ट्रिक मीडियम आप रखें है ना उतने के लिए हम लोग निकाल देंगे भाई लोग, जितना सारा आप मीडियम रखते हैं एक दो तीन पचास दस जितना भी रख दो सब के लिए कैपेसिटेंस का वैल्यू आ जाएगा। तो देखा जाए टुकड़ों, टुकड़ों मीन्स दिल के टुकड़ों है ना। देखो तो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी हो क्वेश्चन, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एज शोन इन फिगर, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एज शोन इन फिगर, मतलब फिगर जो फिगर दिया है उसमें कैपेसिटेंस कैपेसिटर का फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो देखा जाए ये फिगर में दिया हुआ है, चलो हिंदी मीडियम में तीन लेके डायलेक्ट्रिक बनाया है, तीन चार तुम जितना भी लेके बना सकते हो, दो भी लेके बना सकते हो, लेकिन ट्रिक बता रहे हैं पहले आपको, जब एक डायलेक्ट्रिक मीडियम रहता था तो फॉर्मूला होता था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इसी को आगे बढ़ा देते तो आता था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी वन माइनस वन बाई के। याद करो C इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और जब माइनस टी कॉमन लेते थे तो वन माइनस वन बाई के आता था कि नहीं आता था, आता था। तो बताइए बच्चों C इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के आ गया। तो इसी के लिए अगर हम बात करें, अगर एक डायलेक्ट्रिक मीडियम रहता था तो माइनस टी प्लस टी बाई के होता था, अगर दो डायलेक्ट्रिक मीडियम के लिए बात करें ट्रिक, तो दो डायलेक्ट्रिक मीडियम के लिए तो ऐसे लिखे डी माइनस टी वन माइनस टी टू प्लस टी वन बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू। अंडरस्टूड और नॉट, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलो जल्दी, तो जल्दी बताओ एकदम अच्छे से क्लियर करो, नो टेंशन, ध्यान से देखते रहो, मजा आएगा कि C इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी माइनस टी माइनस माइनस टी वन माइनस टी टू प्लस टी वन बाई के प्लस टी टू बाई के। देखो यहाँ क्या था, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यहाँ था डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो अगर दो आ जाएगा मीडियम डायलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वन एंड के टू, देन व्हाट हैपेंस, देन सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी माइनस टी वन माइनस टी टू, डी माइनस होगा और टी बाई के प्लस होगा, तो प्लस टी वन बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू। अगर तीन मटीरियल आ जाए डायलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए तो क्या होगा, तो d माइनस टी वन माइनस टी टू माइनस टी थ्री प्लस टी वन बाई के वन प्लस
t2 by k2 plus t3 by k3। ये हो गया ट्रिक बाबू, और ट्रिक याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट अगर बहुत सारा ये कंपटीशन में बहुत पूछता है ऐसा क्वेश्चन कि अगर मान लो कि डायलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, तो डायलेक्ट्रिक मीडियम अगर आ गया एक से ज्यादा, तो दो के लिए ये फॉर्मूला, यहां देखो एक के लिए तो माइनस टी प्लस टी बाई के, दो के लिए -t1 - t2 + t1 / k1 + t2 / k2, तीन के लिए तो -t1 - t2 - t3 + t1 / k1 + t2 / k2 + t3 / k3। मानव समझ रहे हो? अरे मानव समझ रहे हो? तो एक के लिए -t + t/k, दो के लिए -t1 - t2 + t1 / k1 + t2 / k2, तीन के लिए -t1 - t2 - t3 + t1 / k1 + t2 / k2 + t3 / k3। ये ट्रिक हुआ, लेकिन हम ला के दिखा रहे कैसे। ओके, देखिए क्वेश्चन भी बन जाएगा, फॉर्मूला भी तैयार हो जाएगा, जल्दी लिख लो साइड में। ऐसे ही एन के लिए होगा, है ना, -t1 - t2 - t3 -t1 / t2 - t3 + t1 / k1 + t2 / k2 + t3 / k3 + tn / kn। तो देखो बच्चों, चलो तीन लेके समझाते हैं आपको, दो लेके भी आप बनाएंगे, उससे ज्यादा भी लेके बना सकते हैं। T1 थिकनेस है, फिर अगले देखना ना, अगले लेक्चर में सीरीज से समझाएंगे आपको। हाँ, सीरीज लेकर के समझाएंगे, ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे और सीरीज से भी लेकर के आपको समझाएंगे, है ना। लेकिन सीरीज वाला पढ़ना है कब? जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे तब। लेकिन उसे बना के देखेंगे, एक मेथड से बनाएंगे इससे और दूसरे से सीरीज करके देखना, एकदम परफेक्ट आएगा, मजा आएगा। क्योंकि ज्यादा बड़ा लेक्चर होता है, बकबकाने लगते हैं। T1 T2 T3, ओके, T3 एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज T, एंड प्लेट वन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर प्लेट हैविंग नेगेटिव चार्ज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर। ओके, तो अब बताइए यहां प्लस है यहां माइनस है रे बाबा, ये मीडियम है तीन जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है। ओहो, K1 K2 एंड K3। अब बताइए कि एयर कितने डिस्टेंस या फील्ड है, देखो याद करो। वी नो दैट, वाह वाह क्या बात है सर, वी नो दैट। अगर मीडियम रहता था एयर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको याद होगा कि E नॉट होता था एयर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस प्लेट्स के बीच एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नॉट होता था, जिसका वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता था। लेकिन अगर मीडियम का बात किया जाए तो मीडियम के लिए याद है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को डिफाइन करते हैं, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन मीडियम इज नॉट प्रेजेंट व्हिच इज ई नॉट। ओके, तो रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन मटेरियल इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर और प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, याद करो। तो प्लेट्स के बीच जब मीडियम नहीं रहता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट, और मीडियम आ जाता था तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद करो ई नॉट माइनस ईपी। लेक्चर नंबर 31 देखिए, लेक्चर नंबर 30 के लास्ट और 31 के स्टार्टिंग। तो K = E0 / E, अंडरस्टूड? तो याद करो कि यहां से K = E0 / E आया, तो E = लिख सकते हैं E0 / K। बोलो, रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन डायलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज नोन एज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो K = E0 / E आ गया इधर, तो E0 / K आ गया, आया कि नहीं आया? अब देखो बच्चों, E = E0 / K। अब देखिए फॉर फर्स्ट मीडियम, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली क्या हो जाएगा बोलिए, E मीडियम 1 हो जाएगा E0 / K1, E मीडियम 2 हो जाएगा E
नॉट बाई के टू और ई मीडियम थ्री हो जाएगा ई नॉट बाई के थ्री। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अरे बोलो, ई इक्वल टू होता है ई बाई के, ई इक्वल टू होता है ई नॉट बाई के। तो क्या यहाँ पे एक मीडियम है? नहीं, तीन तीन मीडियम्स हैं। बोलो बोलो। तो यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों कि जब तीन मीडियम्स हैं तो तीनों का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट है। अभी डायलेक्ट्रिक मीडियम लिया, अभी क्या डायलेक्ट्रिक मीडियम, अभी क्या है ये तीनों, तीनों जो है वो डायलेक्ट्रिक मीडियम है। ये कंडक्टर नहीं है कोई, और लास्ट में कंडक्टर भी लेके समझा देंगे, इसी में कंडक्टर यानी इन्फिनिटी कर देंगे के का वैल्यू। तो बताइए तीनों जो है बच्चों है डायलेक्ट्रिक स्लैब्स, डायलेक्ट्रिक स्लैब्स। ओके, मजा आ रहा है ना, ध्यान दो। तो K इक्वल टू ई नॉट बाई ई, तो K इक्वल टू ई नॉट बाई ई, ई इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट बाई के। तो बताइए कि पहले मीडियम के लिए ई नॉट बाई के वन, दूसरे के लिए ई नॉट बाई के टू, तीसरे के लिए ई नॉट बाई के थ्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ओके, अब देखो, वी नो दैट अगेन, अगेन वी नो दैट क्या होगा? अरे बाबा जल्दी बोलो, अगेन वी नो दैट क्या लिखे? वी इक्वल टू ई इंटू डी, तो वी इक्वल टू ई एयर इंटू डी एयर प्लस ई मीडियम वन इंटू डी मीडियम वन प्लस ई मीडियम टू इंटू डी मीडियम टू। समझा रहे हैं सब अच्छे से? प्लस ई मीडियम थ्री इंटू डी मीडियम थ्री। चलो समझो, एयर का बात किया जाए तो, मीडियम का बात किया जाए तो क्या होगा रे बाबा? ध्यान देना, मजा आएगा, ध्यान देना। ई एयर, ई एयर, तो ई एयर अगर बात किया जाए, आपको पहले से आपको बताए हैं ये चीज, जो फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू इनटू डी, वी इक्वल टू इनटू डी, अभी भी हम समझाए आपको, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। तो बताइए बच्चों, तीनों डायलेक्ट्रिक स्लैब्स हैं, तो वी इक्वल टू एयर भी है, मीडियम्स भी है। ओके, तो बताइए जरा सा कि एयर का अगर बात किया जाए तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट, और एयर में डिस्टेंस बोलो, एयर भी है, तीन मीडियम्स भी हैं, एयर के लिए ई ए डी ए क्योंकि इंटू डी होता है, मीडियम के लिए ई मीडियम वन डी मीडियम वन, दूसरे के लिए ई मीडियम टू डी मीडियम टू, तीसरे के लिए ई मीडियम थ्री डी मीडियम थ्री। अब बोलो ई नॉट, एयर में ई नॉट और डी एयर बोलो, तुम लोग बोलो सोच के, पूरे में पूरे का डिस्टेंस डी है, तीन मीडियम्स आ गए, तो बताइए क्या तीनों सब्ट्रैक्ट होगा उतना ही ना एयर बचा होगा बीच में, तो बताइए क्या लिखे हैं? डी माइनस डी वन माइनस डी टू माइनस डी थ्री प्लस ई मीडियम वन, ई मीडियम वन, तो बताइए ई मीडियम वन कितना? ई नॉट बाई के वन, ई नॉट बाई के वन इंटू डी मीडियम वन, पहले मीडियम का थिकनेस वो डी वन। अब बोलिए ई मीडियम टू यानी ई नॉट बाई के टू, डी मीडियम टू तो ई टू टी टू, और ई मीडियम थ्री ई नॉट बाई के थ्री, टी मीडियम थ्री टी थ्री। अरे बोलो बोलो, मजा रहा है ना, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, तुरंत क्लियर हो जाएगा। वी इक्वल टू इंटू डी होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो, तो ई एयर ई नॉट, डी एयर डी माइनस टी वन माइनस टी टू माइनस टी थ्री। तो बताइए ई नॉट और डी एयर डी माइनस टी वन माइनस टी टू माइनस टी थ्री, क्यों एयर के लिए डी माइनस टी वन माइनस टी टू माइनस टी थ्री? क्योंकि पूरे में डिस्टेंस डी है, तीनों सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही मिला एयर है, तीनों मीडियम वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही मिला एयर है। ओके, और पहले मीडियम के लिए समझा चुके हैं कि जब ई इक्वल टू ई नॉट बाई के हो सकता है, देन ई मीडियम वन तो ई नॉट बाई के वन, पहले के लिए ई नॉट बाई के वन, दूसरे के ई नॉट बाई के टू, तीसरे के ई नॉट बाई के थ्री। अरे बोला, तो बताओ बच्चों, ई मीडियम वन तो ई नॉट बाई के वन, और डी मीडियम वन तो टी वन, दूसरे के लिए ई नॉट बाई के टू और इंटू टी टू, तीसरे के लिए ई नॉट बाई के थ्री इंटू मीडियम थ्री टी थ्री, थिकनेस डिस्टेंस।
तो बताइए यहां से आ गया भी इक्वल टू भी इक्वल टू, देखो दो सब में इनोड कॉमन है, तो डी माइनस टी वन माइनस टी टू माइनस टी थ्री प्लस टी वन बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू प्लस टी थ्री बाई के थ्री बह बह बोलो बोलो भी इक्वल टू इनोड सब में है कॉमन आ गया बाहर आ गया इतना बच गया प्लस टी वन बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू प्लस टी थ्री बाई के थ्री, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना, चलो जल्दी लिखो जल्दी फास्ट जल्दी यहां तक आइए एकदम इजी लगा होगा। अब देखिए अभी फिगर को छोड़ते हैं, थोड़ा सा और समझाना है कुछ बात जिसमें आप बहुत कुछ सोच सकते हैं। देखिए ना जी, अरे देखिए ना जी, भी इक्वल टू याद है क्यू इक्वल टू सी भी देन भी इक्वल टू क्यू बाई सी एंड सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई देन क्यू इक्वल टू सिग्मा इनटू ई, याद है रे बाबा? तो भी इक्वल टू क्यू बाई सी लिख दो क्या? इक्वल याद करो भी इक्वल टू क्यू बाई सी और ई नॉट, ई नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक बता चुके हैं शुरू में, और इंटू इंटू डी माइनस टी वन माइनस टी टू माइनस टी थ्री प्लस टी वन बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू एंड टी थ्री डिवाइडेड बाई के थ्री। तो यहां से क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हियर गिवन दैट क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए एंड डी माइनस टी वन माइनस टी टू माइनस टी थ्री प्लस टी वन बाई के वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई के टू प्लस टी थ्री डिवाइडेड बाई के थ्री एंड देन सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल टू सी इंटू डी माइनस टी वन माइनस टी टू माइनस टी थ्री प्लस टी वन डिवाइडेड बाई के वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई के टू प्लस टी थ्री डिवाइडेड बाई के थ्री। बोलो बोलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अरे बोलो सॉल्व किए, बस इसको नीचे ला देंगे तो आ जाएगा सी इक्वल टू, वही जो शॉर्टकट ट्रिक से आया था, वही जो शॉर्टकट ट्रिक से आया था। टी वन बाई के वन टी टू बाई के टू एंड टी थ्री बाई के थ्री एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन थ्री डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के वन के टू एंड के थ्री रेस्पेक्टिवली आर इंसर्टेड और प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुज थिकनेस आर रेस्पेक्टिवली टी वन टी टू एंड टी थ्री। बोलो, तो अब बताओ बच्चों, C इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी वन माइनस टी टू माइनस टी थ्री प्लस टी वन बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू प्लस टी थ्री बाई के थ्री। ये फॉर्मूला आपको याद करने का ट्रिक हम बता दिए, तो सॉल्व किए हैं बस। E नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, भी इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू इक्वल टू सिग्मा इनटू ए, बस सॉल्व किए हैं, आप समझदार हैं। ओके, अब देखो सिग्मा से सिग्मा कट गया, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए आ गया, सी से मल्टीप्लाई हुआ, ये नीचे आ गया, आ गया। अब देखो ये फॉर्मूला आ गया, जल्दी से उधर मिटाते हैं, बात बहुत ही अच्छा बात बतलाना है जो आप बहुत कुछ इससे ला सकते हैं। देखो याद करो, अगर ये तीनों में से तीनों कंडक्टर हो जाए तो तीनों के लिए के का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, हो जाएगा ना। देख क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी पे ध्यान देना कि व्हेन मीडियम टू इज, मीडियम टू इज मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर इन अबव क्वेश्चन देन फाइंड फाइंड इट्स कैपेसिटेंस, देन फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो बोलो कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर है मीडियम टू, यानी के टू इक्वल टू क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? के टू इज इक्वल टू इन्फिनिटी,
ध्यान दो, कैसे ट्रिक बताएं आपको याद करने का, कि थिकनेस सब्ट्रैक्ट होता है और थिकनेस बाई के ऐड होता है। ये हम शुरू में आपको समझाए हैं कि कैसे शॉर्टकट ट्रिक आता है। अब देखिए, अब दूसरा मीडियम कंडक्टर हो गया, तीनों में से कोई भी, तीनों ले सकते हो कंडक्टर, तीनों कंडक्टर लोगे तो तीनों के लिए इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब 1/0, 0 ऊपर जाएगा, ये तीनों 0 हो जाएगा, यानी कि ये सिर्फ बच जाएगा। कुछ भी सोच सकते हो, दो कंडक्टर लो, एक कंडक्टर लो, तीनों कंडक्टर लो, कुछ भी सोचो मजा आएगा। यही तो बात है, सोचो सोचो, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही मजा आएगा, है ना। तो बताइए बच्चों कि अब दूसरा मीडियम कंडक्टर हो गया तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई बी माइनस टी वन माइनस टी टू माइनस टी थ्री प्लस टी वन बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू इन्फिनिटी प्लस टी थ्री बाई के थ्री इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी 1/0, ये टर्म 0 हो गया। आ गया आंसर, एप्सिलॉन नॉट ए बाई बी माइनस टी वन माइनस टी टू माइनस टी थ्री प्लस टी वन बाई के वन प्लस टी थ्री बाई के थ्री, माइंड इट, टी टू नहीं, क्यों, क्योंकि टी टू बाई इन्फिनिटी मतलब 1/0, अरे बोलो, इन्फिनिटी मतलब 1/0, 0 ऊपर चला गया, यानी कि ये टर्म गायब हो गया। बोलो अब अगर तीनों कंडक्टर लोगे तो तीनों के लिए के वन के टू के थ्री इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी 1/0, 1/0, 1/0, 0 ऊपर चल जाएगा, ये तीनों 0 हो जाएगा, आंसर आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी वन माइनस टी टू माइनस टी थ्री। माइंड इट, एक बात पे गौर करो, टी टू को 0 मत कर देना, टी2 को 0 मत कर देना, क्योंकि टी2 रहेगा, क्यों रहेगा, सो देखो इधर लिख लिया होगा, देखो बाबू यहां कैसे आंसर आया, सो पहले देख लो, एप्सिलॉन ए बाय डी माइनस टी1 माइनस टी2 माइनस टी3 प्लस टी1 बाय के1 प्लस टी2 बाय के2 प्लस टी3 बाय के3, के2 का वैल्यू एप्सिलॉन इनफिनिटी है, के2 का वैल्यू इनफिनिटी, व्हाई मीडियम टू इज मेटालिक कंडक्टर, मीडियम टू मतलब सेकंड मीडियम, व्हेन मीडियम टू इज मेटालिक कंडक्टर इन अबव क्वेश्चन देन फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी सेकंड वाला जो मीडियम है वो कंडक्टर हो गया, सेकंड वाला मीडियम जो है वो क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। तो बताइए कंडक्टर के लिए K2 का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, जब K2 इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी रख दिए, अब जैसे इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/0, 0 ऊपर चला गया, टर्म खत्म हो गया। अब ये मत सोचना कि ये टर्म खत्म तो सर टी2 भी ना खत्म, नहीं, वो देखो लिख लिया होगा, देखो यहाँ पे समझा देते हैं बच्चों, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, जब होता था, जब कंडक्टिंग होता था, ये इंसुलेटिंग के लिए फॉर्मूला था, और जब कंडक्टिंग होता था तो ये इन्फिनिटी यानी 1/0 और 0 ऊपर, ये खत्म, तो ये भी खत्म, नहीं टी तो रहता ही था, बस ये टर्म खत्म आ जाता। और इसी तरह से आप सबके लिए, तीनों कंडक्टर ले लो, दो कंडक्टर ले लो, एक इंसुलेटर ना करके डायलेक्ट्रिक मीडियम कहें तो ज्यादा बेहतर है, तो एक डायलेक्ट्रिक मीडियम ले लीजिए, कोई भी, तीनों डायलेक्ट्रिक, एक डायलेक्ट्रिक दो कंडक्टिंग, दो डायलेक्ट्रिक एक कंडक्टिंग, तीनों डायलेक्ट्रिक तीनों कंडक्टिंग, कुछ भी ले सकते हो, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इसमें हजार क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत सारा, है ना। तो अगले लेक्चर में और लेके आते हैं आगे का चीज, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।